अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चाउमीन, बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी है ये। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें, इसमें मैं 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस, ये थिक ली है मैंने, 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयस्टर सॉस ले ली मैंने। अब इसमें काली मिर्च शामिल करूंगी मैं, काली मिर्च 1/2 चम्मच, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, ये भी मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक शामिल कर दें, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें इस सॉस को। अब आधी सॉस जो है वो निकाल लें। इतने से मैंने निकाल लिए और ये तकरीबन 2 चम्मच इस बाउल में है। अब इसमें चिकन शामिल कर लें, चिकन मैंने ले लिए 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, ये इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके काट लिए, बोनलेस चिकन है, इसको मैंने मिक्स कर लिए। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें, मैरिनेट करना है इसको 15 मिनट के लिए और फिर बाद में इसको मैं पकाऊंगी। अब एक बर्तन ले लें, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो तेल के डाल लिए हैं, चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें लहसुन के जो है ये 3 मैंने ले लिए थे और इनको मैंने चॉप्ड कर लिए, ये तेल में डाल लिए मैंने, इनको 2 मिनट के लिए भूनने में। लहसुन को मैंने भून लिए, चूल्हे को ऐसा कर लें। अब इसमें जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन, ये शामिल करें। चिकन तकरीबन पक चुका है, 2 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी और फिर बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करूंगी मैं। चिकन को पका लें पहले, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना मैंने। अब इसमें मैं सब्जियां शामिल करूंगी, शिमला मिर्च, ये मैंने 1 शिमला मिर्च जो है वो काट ली है, और गाजर मैंने 2 ले ली हैं, और प्याज 1 छोटा ले लिए मैंने, इस तरह से लंबा लंबा इनको काट लिए मैंने। इनको 2 मिनट के लिए पका लें, ज़्यादा मत पकाएं। प्याज आप चाहें तो हरा प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे हरा प्याज नहीं मिला तो इस वजह से यही प्याज आप शामिल कर लें इसमें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें मैं बंद गोभी शामिल करूंगी,
ये भी इस तरह से छोटी छोटी मैंने काट ली है। एक कप बंद गोभी, अब इसमें नमक शामिल कर लें, नमक हल्के ज़रूरत आप इसमें शामिल कर लें। काली मिर्च आधा चम्मच, ये चम्मच छोटा था तो सिरका जो है वो दो बड़े चम्मच भर भर के इसमें शामिल कर लें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और ये जो मैंने चाउमीन सॉस बनाई थी ये सारी इसमें शामिल कर लूँ। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। मिक्स कर लें इनको। अब इसमें एग नूडल्स शामिल कर लें, 350 ग्राम है ये, इनको मैंने बॉईल कर लिया था ये सारे। इन सबको मिक्स कर लें, इसको मैंने मिक्स कर लिया और चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया बिल्कुल हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए। इसको कवर करके रख देना और थोड़ी सी काली मिर्च इस तरह से ऊपर से छिड़क दें और इसको कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी और अब इसको निकाल लें और इसको सर्व कर लें। तो जी चाउमीन को मैंने डिश आउट कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।